वित्तीय वर्ष 2019 की पहली तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र के कुल 18 बैंकों में 2480 फ्रॉड के मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें 31,000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि शामिल है। ये चौंकाने वाली जानकारी आरबीआई ने नीमच के एक आरटीआई कार्यकर्ता को दी। आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ ने आरटीआई के तहत आरबीआई से पूछा था कि वित्तीय वर्ष की तिमाही 1 अप्रैल 2019 से जून तक सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं, जिनमें कितने बैंकिंग फ्रॉड के मामले दर्ज हुए हैं, इसमें कितनी धनराशि शामिल है और कितनी राशि का नुकसान हुआ है। इसके जवाब में रिजर्व बैंक ने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की तिमाही में कुल 18 बैंक में 2480 फ्रॉड के मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें कुल 31,898,163 करोड़ की राशि शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक में सबसे ज्यादा फ्रॉड के केस हुए हैं। हालांकि आरबीआई ने ये नहीं बताया कि कुल कितनी राशि का नुकसान हुआ है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।